हमारे साथ जो तादी की जा रही है सरकार की तरफ से, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर भाग, हमारा जो डैम बना हुआ था वो जर्मन के टाइम का डैम था, 82-83 में बना था, तो उस डैम को एसी साहब ने तोड़ा, उसकी वजह से हमारे तकरीबन 25 से 30 गांव डूब गए हैं। और जलाल खान में पानी है, अभी ये पानी आप देख सकते हैं कितनी मकदार में पानी है यहाँ पर, और यहाँ से गाँव भी डूब रहा है सुनने में आए, जामना गाँव भी डूब रहा है और दूसरा यहाँ से न्यू भी डूब रहा है, नीचे जो हमारे गांव है वो भी तकरीबन डूब रहे हैं, 20 से 25 गांव डूब रहे हैं। अभी तक नहीं कोई रेस्क्यू है, नहीं कोई फैसिलिटी है सरकार की तरफ से हमें। हमने सरकार को भी इतला दी है, सरकार को भी बोला है, जैसे 10,000 को मैंने इतला की, डीसी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और एसी साहब को इतला देने की कोशिश की, एसी साहब रबते में है नहीं, एसी साहब के फ़ोन बंद है। हम लाचार मजबूर लोग सारे यहाँ पर खड़े हैं और हमारे गांव सारे डूब रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोग मायूस हो चुके हैं। सरकार की तरफ से हम अपनी मदद आप कोशिश करें। अब मैं अपनी गाड़ी में डीजल के काफ़ी कुछ जरिकन जो है लेके यहाँ पे पहुँचा हूँ, खुद अपनी मदद आप हम कर रहे हैं, और ट्रैक्टर जो थे वो भी हमने लाए हैं, और ट्रैक्टर का रास्ता भी नहीं है। हम कोशिश करें अपनी तरफ से, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पानी को हम रोकेंगे। और ये जो सारा हमें डुबाने की कोशिश की जा रही है, ये एसी भाग की तरफ से की जा रही है, ना एसी भाग डैम को तोड़ते ना हम नुकसान भी खाते। एसी ने डैम तोड़ा, हमारा डैम तकरीबन 82-83 से बना हुआ था जो जर्मन ने बनाया था, तो उसकी वजह से अभी ये सारा सैलाब, ये सारा पानी हमें डूबने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एसी कह रहा है कि डूबे तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे, हम पैसे खाएँगे। मुर्दाबाद।